अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल रोज़ा स्टिचिंग एंड हसनैन ब्लॉग। तो आज हम ये ट्राउज़र का डिज़ाइन देखेंगे जो बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आपको सिखाया गया है। तो पहले हम ये पेपर लेंगे, इसका स्क्वायर शेप हम कटिंग कर लेंगे। पहले इसको हम फिर कैनवस पर रख कर कट करेंगे। इस तरह हम पहले 3-3 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से फोल्डिंग बाजू से 1-1 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब ये कट कर लेंगे। अब इसको इस तरह से फोल्ड कर स्क्वायर में कटिंग कर लेंगे, यहाँ से क्रॉस कट कर। तभी इसी माप के हमें स्क्वायर कट करने हैं। तो ये मैंने हार्ड पेपर लिया है स्क्वायर कट करने के लिए। अब हम ये पेपर की लेंथ लेंगे 2 इंच और लंबाई ट्राउज़र के बॉटम के हिसाब से लेंगे। तो इसको बराबर सेंटर से फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। अब सेंटर में ये स्क्वायर रख कर यहाँ से मार्किंग कर लेंगे बराबर से। सेंटर से रखना है हमें और बराबर सेंटर में। तो इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे। इस तरफ 2 मार्किंग और दूसरी तरफ 2 मार्किंग कर लेंगे इस तरह स्क्वायर के। अब इसको इस तरफ फोल्ड कर कटिंग कर लेंगे। हमें ये कैनवस पर कट करना है, तो आपको मैंने पेपर पर कटिंग करना सिखाया है। तो इसी तरह हम कैनवस पर कटिंग कर वो पेपर कैनवस कपड़े पर चिटका कर लेंगे इस तरह से। और इसको फिर दोनों तरफ से फोल्ड कर सी कर लेंगे। अब ये जो सेंटर से है इसको कटिंग कर लेंगे हम। अब इस तरफ फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड कर 5 इंच ऊपर निशान कर लेंगे। पहले इस तरह से कट मारेंगे ताकि हमें निशान परफेक्ट मिले। इस तरह फोल्ड कर इसका सेंटर निकाल कर लेंगे सीधी लाइन इस तरह से। अब यहाँ पर हमें ये पेपर रखकर यहाँ से टिप मार कर लेनी है जो हमने प्रेस कर लिया था। यहाँ से सेंटर से टिप मार कर लेंगे। अब ये टिप मार कर अभी ये स्क्वायर सी कर लेंगे। बराबर कैनवस के बाजू से हमारी टिप जानी चाहिए। दूसरे तरफ से भी सी कर लेंगे। अब ये हमारा सीकर तैयार है। तो इसको बराबर से पहले सेंटर से कट करेंगे, फिर ये एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल कर लेंगे। अब सेंटर में इस तरह से कट मार कर इसको पलटा कर लेंगे। इसको इस तरह कर साफ़ कर लेंगे इस तरह से। अभी एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा 5.5 इंच का, 5-5.5 इंच तलक। अब इसको टिप मार कर लेंगे इस तरह से। अब इसमें हम ये पहले पलटा कर लेंगे, उसके बाद इसको सिलाई को सेंटर में रख कर इसको इस तरह मार कर लेंगे 6-6 इंच की पट्टी कट करने कर इसको प्रेस कर लिया है हमने। 6 इंच की पट्टी है ये हमारी। इसको बराबर से फोल्ड कर फिर इसको और हाफ कर यहाँ पे पहले हम मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से टिप मारना है, तो इसी तरह हम चारों को टिप मार कर लेंगे। तो ये चारों पट्टी हमारी तैयार है। अब ये हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है जो 5.5 इंच का है, तो इसको बराबर हाफ फोल्ड कर लेंगे। लंबाई हमारी बॉटम के हिसाब से चाहिए हमें, तो इस तरह से। तो पहले ऊपर से हम टिप मार कर लेंगे, सॉरी नीचे से इस तरह से। अब इसको बराबर इस तरह फोल्ड कर
आप फैब्रिक ग्लू से भी इसको चिपका सकते हैं या पिनअप भी कर सकते हैं। मैं फैब्रिक ग्लू से इस तरह चिपका रही हूँ ताकि ये हले ना जगह पर से। यहाँ पर इस गम से झटपट अपना कपड़ा चिटक जाता है, तो इस हिसाब से ये गम मैंने यूज़ किया है यहाँ पर। तो चारों हिस्से हम इस तरह लगा कर लेंगे, चारों जो हमने पट्टी तैयार कर कर लिए हैं ये। बराबर सेंटर में बैठने चाहिए हमारे ये। इस तरह हमने चारों लगा कर लिए हैं, तो इसको अब ये ट्रायंगल को टिप मार कर लेंगे ताकि कपड़ा हले ना हमारा। तो ये हमारा तैयार है। तो ऊपर का हिस्सा लेंगे आप, ऊपर का हिस्से को ट्रायंगल इस तरह जोड़ कर लेंगे और यहाँ पर रफू कर लेंगे एक टिप। चारों को इसी तरह जोड़ कर लेंगे ताकि हमारा ट्रायंगल अच्छा दिखे, स्क्वायर सॉरी। यहाँ से इस तरह से, अब ये जिस तरह हमने उस बाजू सी कर लिया था उसी तरह यहाँ भी सी कर लेंगे बराबर से पूरा। ये हमारा सीकर तैयार है। तो अब ये सेंटर वाला हम स्क्वायर में इस तरह दबा कर लेंगे पहले, फिर हाथ सिलाई के सुई से सेंटर से सुई निकालेंगे बराबर से। अब दो आमने सामने के कोने लेकर एक टिप मार कर लेंगे इस तरह से, फिर दूसरे आमने सामने के लेंगे इस तरफ का एक बार और उसके सामने वाला एक बार, ये इस तरह से बराबर चारों कोने हमारे सेंटर में आने चाहिए इस तरह। अब ये सेंटर से एक टाका मार कर फिर नीचे सुई को लेंगे हम, ये बराबर से बैठना चाहिए हमारा। अब नीचे से सुई लेने के बाद ये थोड़ा सा प्रेस होगा और बराबर दिखेगा। तो यहाँ पर हम टाका मार कर लेंगे ताकि वो हले ना। इसी तरह हम चारों को कर लेंगे। दो आमने सामने वाले सेंटर को जोड़ सेंटर में जोड़ कर लेना है हमें कोने। इस तरह हमारे चारे कोने तैयार है और वहाँ पे हमने मोती लगाकर उसको डिज़ाइन तैयार किया है। तो हमारा ये न्यू स्टाइल डिज़ाइन कैसा लगा आपको कमेंट कर ज़रूर बताना, और हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।